नमस्कार प्रणाम। अभी हम लोग धुन म्यूजिक में बैठे हुए हैं और हमारे साथ बैठे हुए भोजपुरी के बहुत ही सुरीले गायक जिनका परिचय है अजीत दिवाकर जी। तो आइए मिलाते हैं आपको अजीत दिवाकर जी से। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार बानी, मैं सिंगर अजीत कुमार दिवाकर, गया जिला, घर हुआ मेरा सर। अच्छा, और ठीक बा, नया साल के, हाँ नया साल बढ़िया गया। तो ये पवन सिंह जी के स्टाइल में रखे हैं बाल, आपका बाल देखे 2008-07 वाला याद आ गया। वो तो भोजपुरी के गुरु है भैया, उनका आदर्श मान के हम भी काम कर रहे हैं। बहुत दिन से गायकी कर रहे थे लेकिन किसी कारण बस बीच में छूटा। अच्छा। लेकिन माता रानी के नाम लेकर के फिर से मैदान में कूदे हैं। अच्छा। और पवन भैया के नाम आप पहला बार गाना कब गए थे? हम तो सर मैंने रिकॉर्डिंग का बात बारे में पूछ रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो सर अगले साल हम किए थे, मतलब पिछले साल। अच्छा, स्टेज कितने दिन से कर रहे हैं आप? स्टेज तो हम करीब 15 साल किए हैं। अच्छा, नहीं लेकिन बाल का आपका स्टाइल देख के लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह जो 7-8 में जैसा रखते थे वो अपना काज का शैली के बाद जो हेयर स्टाइल नैना कलाचार में आपका एकदम सेम वही स्टाइल लग रहा है, एकदम पूरा पवन सिंह वाला। हम स्टेज पे बहुत सारा गाना उनका गाए, पवन सिंह का भी गाए है, खेसारी भैया का भी गाए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं पवन जी का गाना से। ये गाना जो गाते थे आपको, जो जिनका फेवरेट गाना आपको हो, जो भी आपका फेवरेट गाना हो, ये गाना तू लगावे लू जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक जिला टॉप लागेलु कमरिया 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 करेला पाला पुलावली पॉप लागेलु कमरिया करेला पाला लवली पॉप लागेलु। अच्छा। अरे गलिया पर बलिया हिले मुस्की पे हिले लगो चले ला गोली गोली गोली, क्या बात है। अच्छा अजीत जी, आपने एक बहुत अच्छा आपने गाया और गायकी बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है सर। अच्छा, आपका आशीर्वाद है। पवन सिंह जी से आप कितना इंस्पायर है आपको, मतलब पवन जी को कब पहला गाना कब उनका सुने थे तो आपको लगा कि यार? देखिए सर, भोजपुरी तो लोग अगर कोई पहचान दिया है तो पवन सिंह है, मान सकते हैं कि लोग सुनने लगा भोजपुरी को। पवन सिंह तो अच्छे है गायकी में। कब सुने थे उनका पहला गाना? हम तो उनका सुने थे वही तू लगावे लू जब लिपस्टिक का, मकैया। अच्छा। में राजा जी। अच्छा। सब तो उन्हीं का सुने हैं, बजने भी लगा था। अच्छा। हम सुने हैं, गाए भी तो, बहुत प्रोग्राम में गाए उनका गाना। अच्छा, उनका गाना सुन के आपको पहला बार क्या लगा था कि हमको भी वैसा गाना है, उनके जैसा गाना है, मुझे भी एक अलग पहचान बनाना है भोजपुरी में, क्या सोचे थे पहला बार गाना सुन के? नहीं, हम तो देखिए आदर्श तो मेरा पवन सिंह है, लेकिन हम कुछ देखे चैनल पे टूटा फूटा जिसको गाने का लूर भी नहीं है, वो साला हिट कर रहा है। पवन भैया का फिर कहने तो उनका गायकी सरस्वती उसमें उनमें बास करता है। तो हमको भी लगा कि साला 15 साल हम गाए तो क्या अर्जित किए, सिर्फ स्टेज से जो कमाए 5,000, 10,000, 20,000 बस वही अर्जित किए। अगर मेरा प्लेटफॉर्म होता, मेरा एक चैनल होता, उसके माध्यम से जितना भी गाना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको अपने चैनल पे डालते तो अच्छा भी नहीं। सही बात है, मतलब 15 साल से आपने गायकी किया स्टेज पे। हाँ सर, मतलब संगीत का सेवा 15 साल की। हाँ हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग की दुनिया में 1 साल से आप? हाँ, बस मन के दुर्गा पूजा से हम करना चालू किया। अच्छा, तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने गायकी छोड़ दिया था बीच में? गायकी देखिए सर, हम छोड़े नहीं किसी कारण, बस जैसे कि मैं प्रोग्राम लेता था और प्रोग्राम में नहीं जा सका, और 4 प्रोग्राम मैं ले चुका था। कोई मित्र कहिए जिसके साथ हम सहयोग किए, बहुत सारा प्रोग्राम शेयर किए, उस वही व्यक्ति हमको धोखा दिया। नाम तो नहीं ले पाएंगे उनका। अच्छा अच्छा, उनके दिल पे ठेस लगेगा, वो हम नहीं चाहते। नाम उनका नहीं लेंगे। मेरा लगातार 4 प्रोग्राम फेल किया, जिसमें मेरा एक भाई का भी प्रोग्राम था। अच्छा। वो दिल पे चोट लगा और मैं कसम खा के मैच छोड़ दिया, मतलब कि मन टूट गया। टूट गया, टूट गया, मैंने अपने लोग जब। हाँ हाँ। अच्छा, 5 जनवरी भोजपुरी के लिए बहुत खास दिन होता है क्योंकि पवन सिंह जी का जन्मदिन होता है। ये कौन नहीं जानेगा सर, पवन भैया 5 तारीख हमेशा जिंदा रहे, सलामत रहे और ऊंचे मुकाम को छुए और छूते रहे, मतलब अच्छा लगता है उनको देखकर। बहुत अच्छा कि मतलब इतना अच्छा गाते हैं, इस हाँ, मुकाम पे है, भोजपुरी को इस मुकाम पे ले गए। हाँ, बहुत मतलब दिल में खुशी होती। हाँ, खुशी होगा नहीं अगर मान लीजिए पवन कलाकार को खुशी क्यों नहीं होगा, जब कोई कलाकार के माध्यम से कोई कलाकार अगर ऊंचा है, उनको हम आदर्श मानते हैं, वो ऊंचा कुछ अच्छा काम कर रहे थे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, मतलब आप चाहते हैं कि पवन जी मतलब और मुकाम को और ऊंचाई को छुए माता रानी की कृपा से। अच्छा, मान लीजिए पवन सिंह जी अगर मान लीजिए वीडियो देख रहे हो, किसी न किसी बहाने चला गया या उनके टीम वाले देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे, उनके 5 जनवरी के जन्मदिन है? पवन भैया से मैं प्रणाम, पवन भैया मैं आपका छोटा भाई, छोटा सिंगर, लोग जानते भी नहीं है, जान रहे धीरे धीरे, आपसे मुलाकात तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर खुदा ने खासे अगर वीडियो देख लेते हैं तो उनको जन्मदिन का ढेर सारा बधाई देता हूँ, और जिए खुश रहें और अच्छा करें।